हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ आरजी एंड यू आर वॉचिंग आरजी जुड़े। दोस्तों, मैं आज एक अनोखा टॉपिक लेके आया हूँ आपके साथ, आपके लिए डिस्कशन करने के लिए। दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो नए सब्सक्राइबर मेरा बन रहे हैं उसको विनती है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आया तो कमेंट करो और फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक करो उसको। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाई पीपल नॉट चूजिंग बिजनेस और व्हाई पीपल चूजिंग जॉब। एक तो जॉब क्यों करते हैं पीपल और बिजनेस क्यों करते हैं पीपल। एक जॉब करता है और बिजनेस करता है, तो बिजनेसमैन बनने के लिए, बिजनेस चालू करने के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या लगता है? कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, कैपिटल ह्यूज लगता है बिजनेस के लिए। वो एक जॉब होल्डर क्या करता है, सफिशियंट कैपिटल कलेक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपटीशन। दोस्तों, एक बिजनेस चालू स्टार्ट किया तो कंपटीशन बहुत रहता है। फॉर एग्जांपल, आपने मोबाइल शॉप ही ओपन किया, आपके मोबाइल शॉप के बगल में दूसरी मोबाइल शॉप ही दूसरे ने ओपन किया, तो उससे कि आप नहीं बोल सकते मेरे बगल में क्यों ओपन कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ऑफर पे ऑफर, फ्री पे फ्री दे रहा है, तो आप क्या सब फ्री देंगे, बोलो? इसलिए तो बिजनेस चालू किया है क्या? नहीं, मतलब कंपटीशन, ह्यूज कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, यही प्रॉब्लम है। रिस्क मतलब धोखा। बिजनेस चालू करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करनी होती है रिस्क, वो जॉब होल्डर नहीं कर सकता। मतलब रिस्क, पैसा इतना कलेक्ट किया है, लोन किया है, सब कुछ किया है, जुगाड़ करके किया है और बिजनेस स्टार्ट किया है, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा आपको भी पता नहीं, मतलब ह्यूज रिस्क लेनी पड़ती है तभी बिजनेस चालू कर सकते हैं। मार्केट कैसा रहता है, ग्लोबल रहता है। एक समझो, एक फेमस मार्केट होता है, उधर आपको बिजनेस चालू करना है तो ह्यूज डिपॉजिट देना पड़ता है, रेंट का भाड़ा, मतलब ह्यूज पैसा खर्च करना पड़ता है मार्केट के लोकेशन के बेस पे। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड टैक्सेस। आपको पता है गवर्नमेंट ने इतने पॉलिसीज लागू किए, टैक्सेस लागू किए, तो बिजनेसमैन ने क्या सबको बेच के वही करना है क्या? नहीं करना। मतलब कोई भी बिजनेसमैन प्रॉफिट मेकिंग के लिए बिजनेस चालू करता है, गवर्नमेंट का पॉलिसीज है, टैक्स है, भरना पड़ता ही है, लेकिन हेडेक रहता है उसमें भी। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, एक तो क्या को लोकेशन, मतलब कि बिजनेस का टाइप क्या होता है। एक तो आप लार्ज स्केल पे स्टार्ट करते हैं, कर सकते हैं, एक तो स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करते हैं। मतलब बिजनेस का दो टाइप होता है, लार्ज स्केल बिजनेस और स्मॉल स्केल बिजनेस। स्मॉल के लिए कम पैसा लगता है, लार्ज स्केल के लिए ज़्यादा पैसा लगता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज रिटर्न ओवर द इन्वेस्टमेंट। आपने तो पैसा लगाया, आपको पैसा रिटर्न कितना मिलेगा आपको भी पता नहीं है। आपको पता है क्या 100% प्रॉफिट है? नहीं, 100% प्रॉफिट नहीं है। क्या गॉड ने लिख के दिया है 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पर, आप बिजनेस स्टार्ट करो, मैं आपको 100% प्रॉफिट आपको दूंगा, ऐसा लिख के दिया है क्या? नहीं दिया। मतलब आप एक वस्तु, एक थिंग्स 100 रुपीज़ के लिए परचेस कर रहे हो तो बिकेंगे कितने को सेल करेंगे, 110, 120, मतलब प्रॉफिट कितना है, 10 या 20%। 100% किसी का प्रॉफिट नहीं रहता। ये जो बहुत छोटी मोटी रीजंस है जो प्रॉब्लम्स आते हैं, इसके लिए एक लोग बिजनेस करते, एक जॉब करते। तो आपको मैंने, मेरे मन में आया, आपको बता दिया, तो आपको भी लगता होगा कि यही रीजंस प्रॉब्लम्स सही है, तो एक बिजनेस करते हैं और एक जॉब करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करो, ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग मी, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।